नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24/7। मैं सानिया जैन आपके साथ। बारिश धीरे धीरे अब मध्य प्रदेश में भी पैर पसारने में लगा है। पहले जबलपुर, फिर भोपाल, ग्वालियर के साथ ही कई अन्य जिलों में अपने आने की आहट सुना चुका है। वहीं इंदौर फिलहाल इस बारिश से अभी अछूता है, जिसको ध्यान में रखते हुए इंदौर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसके लिए शहर भर में लॉकडाउन किया गया, जिसका असर इंदौर की केंद्र जेल पर भी देखने को मिला, जहां जेल प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए तमाम एहतियात बरते गए। वहीं जब कोरोना वायरस से कैदियों के बचाव को लेकर जेल सुपरिंटेंडेंट से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि जेल के गेट पर पानी टंकी व सैनिटाइजर के साथ साबुन के इंतजाम किए गए हैं, जिसे जेल परिसर में आने जाने वाले हर एक व्यक्ति वायरस से बचाव के लिए साबुन तथा सैनिटाइजर से हाथ धो सके। वहीं जेल में मौजूद 3,000 लोगों को मास्क उपलब्ध कराए गए हैं। जेल में कुछ कैदियों को पैरोल पर भी छोड़ा जा रहा है। सुपरिंटेंडेंट ने बताया कि जो नए कैदी जेल में आ रहे हैं, उनको अलग से बैरिक में रखकर उनका चेकअप भी किया जा रहा है। वहीं जो कैदी जेल में पहले से हैं, उनको एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की हिदायत भी दी गई। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें 24/7 के साथ।